डायोड, ठीक है। डायोड का वर्क क्या होता है, अब काम क्या होता है सेंसर? ये डायोड का सिंबल होता है, स्ट्रक्चर। इसमें एनोड और कैथोड, मतलब प्लस रहा ये और माइनस ये, प्लस और माइनस ये। इस तरह की तुम्हें सर्किट में देखने को मिलेंगे। इस तरह का अगर सिंबल बना है तो समझ जाएंगे हम ये डायोड का है। डायोड का जो काम होता है वो तो क्या होता है, करंट को एक ही दिशा में ही प्रवाहित करना होता है, ये होता है, ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पे 10 वोल्ट का हम ले लें डी सी, 10 वोल्ट डी सी ले लिया और मैंने ये वायर है और इसमें मैंने एक डायोड लगा दिया, तो क्या करेंगे सीधा करंट इसी दबाव पे जाएगा, सीधा जाएगा, ठीक है, इस साइड निकले जाते हैं। लेकिन अगर आप इस साइड से अगर 10 वोल्ट अगर प्रोवाइड किस इस पे इस साइड से तो बात करें तो कहाँ पे आके रुक जाएगा, इस जगह पे आके रुक जाएगा वोल्टेज और इस साइड वोल्टेज नहीं आएगा, तो एक ही दिशा में प्लस से माइनस की तरफ के सिरे पे एक ही दिशा में करंट को प्रवाह करता है डायोड का, ये काम होता है, ठीक है। अगर इसको अगर हम कॉयल पे लगा दें, कॉयल के बाद वाइंडिंग करके ट्रांसफार्मर के बाद, ठीक है, तो ये क्या करने लगता है, एसी को डीसी में बदलने लगता है। जैसे ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर में क्या होता है, चार डायोड होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड होता है, ठीक है, फुल वेव में दो रेक्टिफायर होते हैं, तो वो उस हिसाब की सर्किट वाली बनी होती है, ठीक है, चार डायोड के टाइप से लगे हैं, ठीक, तो वो डीसी को कन्वर्ट करता है। तो ये डायोड जो है वो डीसी एसी को डीसी में भी बदलता है, ये भी काम है, और जो मेन काम है वो करंट को एक ही दिशा में फॉलो करता है, मतलब कि भेजता है उसमें, ठीक है, तो रिवर्स नहीं आएगा। अब इतना समझ में कि एक ही साइड करंट प्रवाह करता है, अब ये बनता कैसे है सबसे पहले, तो एक पी टाइप का क्रिस्टल है और एक एन टाइप का क्रिस्टल, और आयन, और ये हम समझते हैं किसके होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, पी और आयन, मतलब पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। अब ये कल मैंने बताया था फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, बताया था मैंने किसी को, सबको बताया था। डायोड बनता कैसे है, ठीक है, तो पी को अगर हम प्लस सिरे से जोड़ते हैं बैटरी के, ये बैटरी है, बैटरी का सिंबल है, और अगर यहाँ पे अगर हम इस टाइप से करें तो समझ जाओगे कि ये बैटरी का सिंबल है और यहाँ पे बैटरी लगी हुई है प्लस माइनस, ठीक है। तो पी क्या होते हैं, पी के जो साइड के होल होते हैं, होल नेगेटिव, इसे क्यों कहा गया, क्योंकि तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन और ये क्या होते हैं, होल होते हैं, ठीक है, होल के बारे में जानकारी भी देंगे आपको, होल क्या है। तो अब इस पे अगर हमने प्लस दे दिया, ठीक है, तो ये किस में काम करते हैं, अट्रैक्शन मोड पे, प्लस माइनस अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी पी की जो ये होल है, ये यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर बनेगी, भैया जहाँ पर जोड़ेंगे वहाँ पर एक जोड़ तो होगा, ठीक। अब ये क्या करेंगे, हमने इसको वोल्टेज दिया, अभी तो क्या रखे हुए हैं, ठीक, अगर हम इस पर विद्युत धारा प्रोवाइड कर दें, प्लस पी को पॉजिटिव सिरे से जोड़ रहे हैं, अगर एन को नेगेटिव सिरे से जोड़ते हैं, तो ये कहलाती है हमारी फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो होल है ये इस साइड मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन के साइड मूव करेंगे, समझे, तो ये काफी, अब होगा क्या, आना जाना इनका शुरू हो जाए, तो जितनी इनकी क्षमता होगी वो यहाँ तक आ जाएंगे,
और ये वाले यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से डायोड बनता है, ठीक। और ये हमारी कहलाती है हार्वर्ड वाइसिंग, ठीक है, हार्वर्ड वाइसिंग। रिवर्स वाइसिंग में क्या होगा, माइनस का सिरा जो होगा इस साइड हो जाएगा और प्लस इस साइड हो जाएगा। रिवर्स वाइसिंग कल बताया रिवर्स वाइसिंग के लिए, तो ये फॉरवर्ड वाइसिंग। तो ऐसे ही डायोड बनता है, और उसका काम भी क्या है, एक ही दिशा में करंट को ले जाना, ठीक है। अब तुमको बहुत सारे डायोड मिलेंगे, ठीक, देखने को। अब जैसे SMPS ले लो कंप्यूटर का, तो उसमें क्या करता है, वो AC को DC में कन्वर्ट करता है, करता है। तो उसके अंदर चार डायोड लगे होंगे, वो क्या करेंगे, ब्रिज रेक्टिफायर का काम करेंगे, चार डायोड लगे हैं, ठीक। और भी PCB, लैपटॉप, मोबाइल के ले लो, कंप्यूटर के, सब में डायोड लगे होंगे, ठीक। डायोड का काम क्या है, AC को DC में कन्वर्ट करना और एक ही दिशा में करंट को प्रवाह करना, ठीक। तो वही है कि अगर हम यहाँ से इसको, अगर ये पॉजिटिव सिरा है, एनोड इसको बोलते हैं पॉजिटिव, और ये है नेगेटिव। अब यहाँ से अगर हम 10 वोल्ट देंगे, तो यहाँ पे हमारा जो इसकी रेजिस्टेंस होगी, भाई हर पदार्थ की कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होती है, तो वो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। अगर हम इस साइड से करंट प्रवाह करेंगे 10 वोल्ट, तो वो यहाँ पे आके रुक जाएगा, इसके आगे नहीं आएगा, मतलब कि ये रिवर्स करंट या रिवर्स वोल्टेज नहीं देगा, ठीक। तो एक ही दिशा में फॉलो करता है। अब ऐसे क्या, जैसे ये वायर है, तो वायर में क्या है, करंट को क्या कर सकते हो, इस साइड से भी, जैसे कोई ये मान लीजिए भी वायर है, ठीक। अगर मैं इसको यहाँ से, इसमें से अगर वोल्टेज दूँ, ठीक, तो इस साइड भी हमको मिल जाएगा, और इस साइड से दें तो इस साइड भी मिल जाएगा, ठीक। तो अब होता क्या है कि अगर हम यहाँ पे एक डायोड लगा लें, अगर इस साइड से अगर हम वोल्टेज दे रहे हैं, तो इस साइड आ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव से तरह मूव करेगा। अगर हम नेगेटिव से रहे अगर वोल्टेज देंगे, तो वो वहीं पर ब्रेक कर देगा, ठीक। आया समझ में, ऐसे बन सकता है।